नमस्कार दोस्तों, आज राजर्षि शाहू महाराज की जयंती है और आप सभी को पता है कि राजर्षि शाहू महाराज ये एक ऐसे राजा महाराजाओं में से एक थे जिन्होंने सामाजिक न्याय की नींव रखी और उनका जन्मदिन पूरे देश भर में सामाजिक न्याय दिवस के नाम पर मनाया जाता है और उसी के चलते आज देश भर में जो सामाजिक गतिविधियां चल रही है ये विषय पर अपने साथ बात करने के लिए है जाने माने बुद्धिजीवी डॉक्टर गणेश देवी जी। नमस्कार गणेश देवी सर। नमस्कार जी। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ बात, जैसे ही कोरोना संक्रमण बढ़ा है WHO ने कुछ गाइडलाइंस दी, सरकार ने कुछ गाइडलाइंस दी और उसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग की बजाय फिजिकल डिस्टेंसिंग शब्द का प्रयोग हो ऐसी मांग आपने प्रधानमंत्री जी से की और उसी के चलते WHO ने और प्रधानमंत्री जी ने फिजिकल डिस्टेंसिंग वर्ड को सही माना और वही वर्ड अभी वो यूज कर रहे हैं, तो उसके पीछे आपकी भूमिका क्या रही है? देखिए, कोरोना की पूरी टर्मिनोलॉजी ये अमेरिका, इटली, इंग्लैंड वहां से आई। सोशल डिस्टेंसिंग ये शब्द भी वही इस्तेमाल किया गया था, वहां से आया। हमारे लिए ये महात्मा गांधी ने संघर्ष किया था। सोशल डिस्टेंसिंग का हिंदी में मतलब होगा सामाजिक फैसला। समाज ये शरीरों के इकट्ठे आने से नहीं बनता है, दिल के और दिमाग के इकट्ठे आने से बनता है और दिल और दिमाग का फैसला अगर बढ़े तो समाज का विभाजन होगा। हम जो चाहते हैं कोरोना के स्थिति में वो शारीरिक फैसला, सही फैसला, प्रकृति स्वास्थ्य का फैसला ये चाहते हैं। तो हमने ये पॉइंट आउट किया था, प्रधानमंत्री को लिखा था और शायद उन्होंने कुछ समय सामाजिक फैसला ये शब्द का प्रयोग करने की जगह सही फैसला ऐसा शब्द प्रयोग किया था, ऐसे मैंने सुना है। चलते ही मुझे ये बात आपको पूछनी थी कि सोशल डिस्टेंसिंग को एक अपनी भारत के इतिहास में एक अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी ये ऐसी बातें अपने यहाँ चली है। हम देखते हैं कि देहातों में दलित उत्पीड़न के मामले हमारे सामने आ रहे हैं, कहीं हम देख रहे हैं कि कहीं तबलीगी के नाम पर किसी एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग को हम कैसे आर्टिकुलेट करेंगे इस पूरे सिचुएशन में? ये आज आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आज की जो तारीख है वो सही लिटरली शाहू महाराज का दिन है। शाहू महाराज ने इसके सामने बड़ा जंग छेड़ा। जब किसी ब्राह्मण ने उनको पूजा मंदिर में नहीं करने का फैसला दिया तो शाहू महाराज ने वो पूजा करने वाले को बदला और जिसे कभी भी हजारों साल में पूजा का अधिकार नहीं दिया जाता था उनको उन्होंने शंकराचार्य बनाया। ये तो हमारा इतिहास है। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में अगर हम आज सोचे तो संविधान में सबको समान समानता दी है, लेकिन संविधान होते हुए भी जिस तरह के संस्कार हमारे समाज पे होते आए हजारों साल से, उनको लेके आज भी दलित वर्ग के लोगों पे बहुत बड़ी पीड़ा सहन करनी पड़ती है। अभी हाल में कुछ दिनों पहले एक बच्ची को पानी के लिए बहुत उसकी विटंबना की गई। दो तीन साल पहले एक विद्यार्थी हैदराबाद का, रोहित वेमुला, उसको फांसी लेना पड़ा। ये चीजें हर रोज होती है इस देश में, लांछन है हमारे लिए, इट्स अ नेशनल शेम। ऊना में जो हुआ गुजरात में, जिसके सामने जिग्नेश मेवानी ने संघर्ष उठाया था, वो किसी भी दूसरे सिविलाइज देश में होते हुए देखने नहीं मिलेगा। ये हमारे ही देश का एक
अति विशिष्ट प्रॉब्लम है, सामाजिक समस्या है, और इसके पीछे हर सामाजिक कार्यकर्ता ने बहुत बड़ा समय लगाना चाहिए। और किसी भी हालत में ये जो लांछन है, शर्मजनक बात है, उसे हटाना चाहिए। केवल कानून से वो हटेगा नहीं, वो जब हमारे सोच से हटेगा तभी ये समस्या कुछ हद तक हमें इस समस्या से बाहर निकलने मिलेगा। जिस तरीके से सर हमने देखा है कि अमेरिका में रेसिज्म को लेकर आंदोलन चल रहा है, और आई कांट ब्रीथ ये अभी एक उनका एक नेशनल नारा बन चुका है, बहुत सारे युवा रस्तों पर उतरकर जो कृष्णवर्णीय है, जो वहाँ की जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उसके साथ वो लोग जुड़े हैं। हमने देखा था कि भारत में जब NRC, NCR, NPR को लेकर जब मुद्दा चल रहा था उस वक्त भी ऐसे ही लोग सड़क पर उतरे थे, और अपनी नागरिकता बचाने के लिए सड़क पर उतरने वाले लोगों को भी देशद्रोही कहा गया। और अभी भी हमने देखा है कि दिल्ली में जितने जो कोई कॉलेज स्टूडेंट थे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे, उनको अभी सरकार ने जेल के अंदर डाल दिया है। तो अमेरिका और भारत इसके बीच में जब हम देखते हैं तो क्या समानता दिखती है? क्या हम भी उसी तरीके से रस्ते पर उतर कर अपनी अपनी जो हक है, हक की लड़ाई लड़ सकेंगे? कि अमेरिका में कृष्णवर्णियों का जो लड़ा है उसका इतिहास अब्राहम लिंकन तक जाता है, क्योंकि वहाँ सिविल वॉर भी हुई थी इसको लेके। लगभग 160 साल पहले की बात है ये। फिर 20वीं सदी में वहाँ कृष्णवर्ण और शुभ्रवर्ण इन लोगों में संघर्ष हुआ था और खींचातानी हुई थी, और कुछ हद तक हक कृष्णवर्णियों को मिले थे। अमेरिका का जो समाज है, उनकी समाज रचना है, उसके जो विविध घटक है उससे हमारे यहाँ समाज की रचना बहुत अलग तरह से हुई है। हमारे यहाँ भी अछूतता कम करने के लिए, अस्पृश्यता को हटाने के लिए, दलितों को अधिकार मिलने चाहिए, इसके लिए संघर्ष हुए। लेकिन अमेरिका में, और मैं कहूंगा दक्षिण अफ्रीका में भी, वो भी नहीं भूलना चाहिए, नेल्सन मंडेला जो की लड़क थी उसे भूलना नहीं चाहिए। महात्मा गांधी के बाद नेल्सन मंडेला का ही नाम दुनिया के इतिहास में इस तरह के लड़क के लिए आता है। वहां के सफेद वर्णीय लोगों ने इस लड़क में बड़ा हिस्सा लिया था। हमारे यहाँ जितने दलित संघर्ष हुए हैं उसमें केवल दलित उतरे हैं, और ये हमारे समाज की एक बड़ा अपयश है, ऐतिहासिक अपयश है। हमारे जिन्हें पुरोगामी कहते हैं ऐसे लोगों को, जो दलित नहीं है ऐसे तबके के लोगों को संगठित करके इस तरह के संघर्ष के साथ जोड़ने की क्षमता आज भी कम दिख पड़ रही है। वरना हमारे यहाँ कानून है, हमारे यहाँ जरूरत भी है, और हमारे यहाँ इस संघर्ष में जुट जाए ऐसे नौजवानों की तादाद बहुत बड़ी है, और वो अच्छे पढ़े लिखे भी है। लेकिन हमारे दलितेतर जो लोग हैं उनको संगठित होके इस तरह के संघर्ष में उतरने की जरूरत है, और शायद ये प्रयत्न दोनों तरफ से होने चाहिए, इसकी भी जरूरत है। तो जब हम प्रयत्न की बात करते हैं कि दोनों तरफ से ये प्रयत्न होना चाहिए, बट जब कोरोना के वक्त लॉकडाउन होता है, लॉकडाउन के बाद तबलीगी का मामला सामने आता है, और वो हो जाने के बाद कोई सांप्रदायिक जो शक्तियां है, सांप्रदायिक जो पक्ष है, उन्होंने सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम वॉर स्टार्ट कर दिया। और हमने पूरा सोशल मीडिया पर देखा है कि हिंदुओं के किसी तबके को कोई गाली दे रहा है, कोई मुसलमानों को गाली दे रहा है। तो उसके बीच में जब हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तब सामाजिक स्वास्थ्य भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे आपने शुरुआती में कहा, बट उसके साथ जब ऐसे सांप्रदायिक ताकतें बढ़ने लगेगी तब उसका सामना हमें कैसा करना चाहिए? दो चीजें समझने की है हमें।
अपने जो सवाल पूछा उसका जवाब आप भी जानते हैं और देश के बहुत सारे लोग जानते हैं कि तबलीगी का जो सबसे पहले नाम लिया गया उसके फैक्ट्स देखने के बाद उस पूरे जो चार्ज था, चार्ज किया गया था उसमें कोई तथ्य नहीं था, ये सामने आया है। दूसरी बात, इन्हीं में से कुछ लोगों ने ब्लड डोनेट करने का, प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा भी देने का ये तय किया। तो ये तो इंसानियत की बहुत बड़ी बात हुई है। जो हमें गाली दे रहा है उनके लिए हम अच्छा काम करेंगे, ये कहने वाले सभी धर्म जानते हैं, सभी धर्म मानते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन बड़ी बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए, और वो है कि समाज तोड़ने वाले और कम्युनलाइजेशन करने वाले, इतनी ताकत उनको कहाँ से आई? तो इसका एक जवाब ये हो सकता है कि जो प्रगतिशील लोग है उन वो बहुत बिखरे हुए हैं, बिखरे थे अलग अलग छोटे छोटे गुटों में, उनको इकट्ठा आना जरूरी था, जो हुआ नहीं। और जो प्रगतिशील लोगों की खामियां थी उतनी स्ट्रेंथ कम्युनल माइंडेड पार्टी को और उन गुटों को मिली है। ये उनकी अपनी अंदर की ताकत नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है जो दूसरे की खामियां है उसका। इस तरह से भी सोचना जरूरी है, क्योंकि जो क्रोध द्वेष इसकी फिलोसॉफी बनाते हैं उनको अंदर की ताकत कभी नहीं होती। ये विचार बहुत लंबे समय तक चलता नहीं है। और दूसरी बात हमें समझने की है कि हर बार कोई बड़ा षड्यंत्र जब इनका शुरू होता है तो उसको लोग नजरअंदाज करें, इसलिए वो कोई दूसरा हादसा बना देते हैं और लोग उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी लेबर लॉ जो है वो सब बदल गए और इसका सीधा असर देश के तकरीबन 45 करोड़ लोगों के अधिकारों पे हो, उनको उनको उनके श्रम पे जो पूरी तरह से कानूनी अधिकार होना चाहिए था वो छीना गया, और ये हुआ पिछले महीने में हुआ है। अब इस समय हम उसके तरफ ना देखे, क्योंकि वो असली मुद्दा है, इसलिए वो कोई छोटा मोटा खेल शुरू कर देते हैं। कहीं जाके बंगाल में कोई स्टेटमेंट की कि हम फिर से सीए का ऐलान करेंगे वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कि हमें हमेशा असली मुद्दे क्या है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और हमें हमेशा यूनिटी की कोशिश करनी चाहिए, और जो भी यूनिटी की कोशिश को तोड़ता है वो सीधा डायरेक्टली भाजपा को मदद करता है, ऐसे मानना चाहिए। अगर हम सब यूनाइट हो तो हमारी ताकत इस देश में बहुत बड़ी, आज भी बहुत बड़ी है, और भाजपा से और आरएसएस से बहुत बड़ी ताकत हमारी संख्या के दृष्टि से, सोच की दृष्टि से, साहस करेज के दृष्टि से है। लेकिन हमें यूनाइट होना, आज के दिन में शाहू महाराज का संस्मरण अगर हमें करना हो तो हमें कहना चाहिए कि जिन मूल्यों के लिए शाहू महाराज ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई, उन मूल्यों के लिए आज हमें इकट्ठा आना, ये हमारी सबसे बड़ी जरूरियात है। इसी के चलते मुझे एक क्वेश्चन आपको करना था कि जब भाजपा और आरएसएस का जब हमने जिक्र किया है, भाजपा और आरएसएस सांप्रदायिक है, उनकी ताकत भी उतनी ही दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये भी बात सही है,
बट दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश की हत्या हो जाती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, आप अपनी बात नहीं रख सकते, आजादी आपको बोलने की नहीं है, लिखने की नहीं है और अपने विचार अभिव्यक्ति की भी नहीं है, तो ऐसे हालात में जी है उन पर सेडिशन की केस लगी है, ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट पर लग रही है, बुद्धिजीवी है उनको उन पर यूएपीए डालकर उनको जेल में डाला जा रहा है, तो इस पूरे हालात में आरएसएस की और बीजेपी की एग्जैक्ट मंशा क्या है ये भी मुझे लगता है कि आपने लोगों को बताना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, अभी पूरी दुनिया में प्रेस फ्रीडम पे नजर रखने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम का एक संगठन है, वो रिपोर्ट निकालते हैं। उनका 2020 का जो रिपोर्ट आया है उसमें 180 देशों में भारत का नंबर उन्होंने 142वां रखा है। तालिबान जो है उनके देश का नंबर 105 है, उससे भी नीचे भारत का नंबर है। दूसरा एक रिपोर्ट आया और वो हमारे ही लोगों ने, हमारे देश में ही एक संगठन ने बनाया है और उसमें उन्होंने 119 ऐसे हादसे हुए पिछले 190 हादसे हुए पिछले 5 साल में और केवल पिछले 1 साल में 40 जितने हादसे हुए हैं जिसमें रिपोर्टर्स का मर्डर किया गया है, उनके ऊपर एफआईआर लगाया गया है। आपने विनोद द्वाजी की बात की, उसी तरह से स्क्रोल इन की एक रिपोर्टर जो बनारस में जाके फूड सप्लाई का शॉर्टेज था उसका रिपोर्ट लिखा था, तो उनके ऊपर एफआईआर लगाया गया है, उनको जेल में डाला जाएगा, इस तरह की कोशिश होती है। ये हमें समझने की बात है कि एक सरकार है जो मेजॉरिटी में है पार्लियामेंट में, लोकसभा में उसकी मेजॉरिटी है, राज्यसभा में भी उनका अच्छा प्रेजेंस है, तो भी उन्हें प्रेस का डर लगता है। इसका मतलब उनके काम करने का ढंग कहीं ना कहीं गड़बड़ वाला है। अगर वो ना होता तो प्रेस का कोई डर होने की जरूरत नहीं, बल्कि ये देश डेमोक्रेटिक है, यहाँ प्रेस फ्रीडम है, ये केवल दिखावे के लिए भी वो जिंदा रखते तो यहाँ ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती, बिजनेस को बढ़ावा मिलता, इकोनॉमी सुधरती। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो इस आज तक के किए जो कारनामे है, जहाँ दंगे फसाद उन्होंने किया है, कहीं कहीं हत्याएं हुई है, आपने कुछ नाम लिए थे, उस सब के रिपोर्ट्स दबाने का काम ही हुआ है। आपको शायद याद होगा 2016 में हिंदुस्तान टाइम्स के ब्यूरो चीफ मिस्टर रंजन, उनकी पत्नी आशा जी आज भी सीबीआई के चक्कर लगा रहे कि कम से कम ये केस ट्रायल तक आए, इनका मर्डर होते हुए लोगों ने आंख से देखा था, विटनेसेस आर देयर, लेकिन वो ट्रायल नहीं होगी। पिछले हफ्ते ही शायद सीबीआई ने बताया कि अब ये केस आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाइए, इसका मतलब 3 साल का पानी बह गया, वो बिल्कुल फिजूल बह गया, फिर दे आर बैक टू स्क्वायर वन। ये सब हो रहा है, इसमें प्रेस को कैसा बचाया जाएगा? हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन उसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विद रीजनेबल सेल्फ कंस्ट्रेंट, ऐसा एक क्लॉज है, हम खुद होके उसकी जिम्मेवारी ले कि हम जो कहते वो प्रक्षोभक ना हो, रीजनेबल हो। लेकिन अपने आनंद तेलतुंबड़े को, नवलखा को जेल में डाला है, देखा है, ये तो अच्छे स्कॉलर्स थे। प्रेस अपने को खुद को बचा नहीं सकेगी क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट है। जर्नलिस्ट जब हजारों के भीड़ में जर्नलिस्ट होता है, अकेला होता है, तो वो सॉफ्ट टारगेट होता है, और जब सरकार या पुलिस उस जर्नलिस्ट की बाजू में खड़े रहने को ना बोलते हैं
ऐसे समय ये नागरिकों की एक जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि प्रेस ये केवल न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स नहीं है, प्रेस ये लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत आधार देने वाला खंभा माना गया है, ए पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना गया है, और नागरिकों के हित में है कि प्रेस जिंदा रहे। इसलिए नागरिकों ने भी ये लड़ाई छेड़नी चाहिए कि हमारे देश में प्रेस की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। दक्षिणायन की जो शुरुआत हुई थी इसी भूमिका से, सभी राइटर्स उसमें इकट्ठा आए थे, लेकिन केवल राइटर्स और प्रेस रिपोर्टर्स पे दमन नहीं है, इस तरह का दमन जो भी सोचता है उसके ऊपर है, जो भी सोचता है विद्यार्थी उनके ऊपर दमन है, प्राध्यापक उनके ऊपर दमन, जो भी सवाल पूछने वाला है उसका उसके ऊपर दमन है। तो ये क्वेश्चनिंग का ही हमारे देश में बड़ा क्वेश्चन खड़ा हुआ है, सवाल का ही सवाल, जो सवाल पूछता है उस, लेकिन ये बदलेगा, ये हमें प्रयत्न करने पड़ेंगे, ये सब बदलेगा, क्योंकि हमारे देश के भूमि में अच्छे चिंतकों ने स्वातंत्र्य के लिए संघर्ष कैसा किया जाता है उसके बहुत बीज बोए हैं, और जब उसके ऊपर प्रबोधन का सिंचन, कुछ प्रत्यक्ष आचरण का नमूना वहां दिखने मिलता है, तो उसको नए फूल नए फल जरूर आएंगे, और इसके बाद जो आजादी की लड़त होगी, जो डेमोक्रेसी सेव करने की लड़त होगी, वो बहुत नए रूप में और ज्यादा व्यापक समावेशी, समाज के सभी तबकों को समावेश करके आगे आएगी। उसकी इस समाज को, हमारे अंदर भी बहुत सारी खामियां है समाज में, उसको भी सुधारने की जरूरत है, तो वो सब एक साथ मिलके आगे आएगा। आशा कभी छोड़नी नहीं चाहिए। शाहू महाराज जिस जमाने में थे उस जमाने में अंग्रेज सरकार था, अंग्रेजों की सरकार थी, लेकिन उन्होंने जिद आशा छोड़ी नहीं थी, और उन्होंने ये तय किया था कि आजादी आएगी लेकिन तब तक हम समाज को सुधारते हैं। तो हमें भी समाज में, समाज के लिए, समाज के साथ काम करते रहना पड़ेगा। केवल बुद्धिजीवी होने से, केवल कल्पना, कोई अच्छे विचार, उसे समाज बदलता नहीं है। प्रत्यक्ष लोगों के साथ खड़ा रह के और अहिंसक रास्ते से हमें कोशिश करनी है, और ये कोशिश कभी भी नाकाम नहीं जाएगी, उसको हमेशा अच्छे फल मिलेंगे ही मिलेंगे, मैं तो ये जरूर मानता हूँ। यही आशावाद सर हमने आपसे लिया है, और अभी हमने देखा है कि आप राष्ट्र सेवा दल जो संगठन है, समाजवादी विचारों पर, लोकशाही विचारों पर जो काम करता है, उसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, और आपकी अध्यक्षता में बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे देश भर में, तो उसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए। समाजवाद की बेसिक व्याख्या जो है वो पिछले लगभग 200 साल में इसके बारे में बहुत सोचा गया है यूरोप में और हमारे यहाँ, और उसकी जो सबसे अच्छी व्याख्या है, डेफिनेशन है, वो है समाजवाद ये एक रास्ता है, पाथ, रोड, जिस रास्ते के अंत में एक आदर्श समाज तैयार होगा। तो समाजवाद ये रास्ता है, ये आज हम उस जगह नहीं जिस जगह होने चाहिए थे, तो उस जगह तक हमें जाना है, समाजवाद का ये काम है। अगर ये व्याख्या हम स्वीकारते हैं तो हमारे काम के लिए बहुत ही आसानी से हमारे सामने कार्यक्रम है, और वो है कि इस रास्ते को थोड़ा चौड़ा बनाना, उसमें जो बीच में खड्डे है वो ठीक करना, इस रास्ते से लोग चल सकेंगे ऐसा ये रास्ता बनाना। अगर मुझे कोई सुनेगा तो उनको शायद मैं जो कह रहा हूँ उससे कोई दूसरा अलग अर्थ निकालने का मन होगा, इसलिए मैं साफ करना चाहता हूँ कि मैं नितिन गडकरी जी जैसे रास्ते बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रोड कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक उपमा के रूप में, मेटाफर के रूप में, क्योंकि तो समाजवाद यानी यहाँ से आदर्श समाज तक जाने का मार्ग,
उस मार्ग को चौड़ा करना चाहिए। अगर ये मार्ग छोटा होता गया तो उसमें खुद भी नहीं चल पाएंगे और दूसरे के चलने के लिए हम कठिनाई बन के खड़े रहेंगे। इसमें सबको साथ में जोड़ना जरूरी है और केवल एक राज्य में नहीं लेकिन देश के हर राज्य में हर प्रांत में ये काम होना जरूरी है। और इस तरह का काम करने वाले बहुत सारे साथी हैं, उनके कुछ नाम अलग होंगे, कहीं वो किसी हॉस्पिटल के साथ काम करते होंगे, किसी स्कूल के साथ काम करते हो, कहीं वो कोऑपरेटिव के साथ काम करते होंगे, मजदूरों के किसानों के साथ, उन सबको साथ साथ में लेना चाहिए। लेकिन साथ में लेते समय किसी को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि उनको कहीं जाके अपना विलय करना है, मर्जर करना है। सबको सबकी आइडेंटिटी रहे लेकिन सबका कारवा साथ में चल सके, इस तरह से रास्ता बनाना है। समाजवाद का आज का प्राथमिक कर्तव्य है सबको जोड़ना, सबके साथ बैठ के विचार करना और प्रत्यक्ष समाज में जाके काम करना, क्योंकि केवल बातें करने से समाजवाद न आएगा। हमारे पहले के जो बहुत बड़े चिंतक हुए, एक्टिविस्ट हुए, नेता हुए, उनको हम जिस ढंग से केवल बातें करेंगे वो सुन के कभी भी खुशी नहीं होगी, बल्कि तो वो तो दुखी बनेंगे कि केवल बोलते हैं काम नहीं होता, हमें काम करने पड़ेंगे। और कश्मीर में वो काम हार्मनी का होगा, नागालैंड में वही काम हार्मनी संवाद का होगा, महाराष्ट्र में वही काम रोजगारी निर्माण करने का होगा, गुजरात में वही काम आदिवासियों को समान स्तर पे लाने का होगा, झारखंड में वही काम वहां की कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में सुधार करने का होगा, यूपी में वही काम पर्यावरण और खेती को लेके होगा। जहां जिस काम की जरूरत है, जिस काम से समाज में समानता आएगी, ऐसे काम उस प्रांत में उस जिले में करने चाहिए। हम रेडीमेड आइडियाज लेके समाज के पास जाए तो कितना भी बड़ा समाजवाद की आइडिया, कितनी भी रेडीमेड आइडिया भव्य दिखने में हो, वो लोगों के काम में नहीं आएगी। इसलिए लोग क्या चाहते हैं वो बहुत शांति से सुनना, उसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचना और पूरे निर्धार के साथ उस सोच के अंत में, उस सुनने के अंत में कार्य में आगे चल पड़ना, कभी भी पीछे नहीं देखना। सेवा दल का मोटो है कि सेवा दल सैनिक है वो हमेशा आगे चलेगा, कभी भी पीछे नहीं हटेगा। और आगे चलने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक है सैनिक का मनोधैर्य जो सोच के अंत में आता है, कन्विक्शन, और दूसरा है चलने के लिए रास्ता। रास्ता चौड़ा करना चाहिए, सबको एक साथ लेके मनोधैर्य बढ़ाना चाहिए, आशा रखनी चाहिए। और ये दिन, ये स्थितियां हम बिल्कुल बदल सकते हैं, हम जरूर बदलेंगे, ये स्वीकारना चाहिए। धन्यवाद सर, आपने सामाजिक एकता, सामाजिक सलोखा और हमारा जो सामाजिक स्वास्थ्य है उसके चलते आपने समाजवाद की जो बात कही, और हम सब लोग जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट में आज काम कर रहे हैं वो सभी लोग आपको एक दार्शनिक के तौर पर देखते हैं, और आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा यूजफुल रहा है, और ऐसे ही हमें मार्गदर्शन कीजिए सर। धन्यवाद आज हमारे से बात करने के लिए, और आप सभी को राजर्षि शाहू महाराज की जयंती पर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।